मुंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम पहल निवासी एक युवक को बाल विवाह रुकवाना महंगा साबित हो गया। इस जागरूक नवयुवक ने गांव में अक्षय तृतीया पर हो रहे एक बाल विवाह को रुकवाने के लिए प्रशासन को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया, लेकिन बाल विवाह रुकवाने की सूचना पुलिस द्वारा उजागर कर दिए जाने के कारण अब पहल निवासी युवक अनिल के लिए भारी पड़ गई। बाल विवाह करने वाले पक्ष के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। युवक ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं इस युवक का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में उनका सहयोग नहीं कर रहा। सर, मामला यह है कि एक दिन मैं और मेरे एक मित्र स्टेशन से गुजर रहे थे, तब एक लड़की आत्महत्या का प्रयास कर रही थी सर। तो हमने उससे समस्या का कारण पूछा तो वो उसने बताया कि मेरे परिवारजन हैं मेरे खिलाफ, मेरा बाल विवाह कर रहे हैं और मेरी उम्र भी नहीं हुई है, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। तो उसकी शिकायत मैंने सर चाइल्ड लाइन को 1098 पर शादी रुकवाने के लिए कर दी थी। तो शादी प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, इन्होंने रुकवा दी थी। उसके बाद मेरी जो सूचना है वो गुप्त रखनी थी, लेकिन मेरी सूचना लड़की के पेरेंट्स को बता दी गई, जिसकी वजह से मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। वो मेरे घर वालों को मारते पीटते हैं, हमें घर में से बाहर निकाल दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और ना मुझे नौकरी करने देते हैं। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ डाक विभाग में, ना नौकरी पर जाने देते हैं, बहुत तंग और परेशान कर रखा है।